तो अभी हम्पी को चेकआउट करके हम निकल रहे अगले डेस्टिनेशन के लिए आज के। तो वैसे तो अभी कल से बेंगलोर से निकल के यहाँ का डिस्टेंस 350 किलोमीटर कवर करके, और यहाँ लोकल में 20 किलोमीटर का ट्रैवल करके 370 किलोमीटर का ये ट्रैवल पूरा हो चुका, और अभी तक 30,272 किलोमीटर का हमारे बोलेरो नियो का ट्रैवल कंप्लीट हो चुका है। तो वक्त हो चला अपने को अगला डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का। तो बीजापुर फोर्ट को हम एक्सप्लोर करते हुए, बीजापुर को थोड़ा सा एक आध दो घंटे का समय देते हुए हम आगे बढ़ेंगे सोलापुर को, और या तो आज का स्टे सोलापुर को करेंगे या फिर तुलजापुर डायरेक्टली चलेंगे। तो जैसे भी होता है आप आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं रास्ते में, ये तुंगभद्रा डैम का ही पार्ट है। गहराई है यहाँ पे, गहरा पानी नज़र आ रहा है यहाँ पे मस्त तुंगभद्रा डैम का। और ये हम्पी के अवशेष, जो भी सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये पूरी पहाड़ियों के ऊपर जो जहाँ भी पत्थर दिख रहे हैं वो सारे जो है वो हम्पी के रुइंस है। वो अब वो वहाँ पे जो वाइट पहाड़ी पे एक छोटा सा वाइट टेम्पल दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो पहाड़ियाँ है और पीछे दूर तक, तो वो पहाड़ी के बीच में कहीं एक तुंगभद्रा रिवर है, और उसके लास्ट पहाड़ी के ऊंचाई पे 700 स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता है, और उसके ऊपर के टीले पे कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, उनका वास वहाँ पे था, जिसको जाना जाता है अंजनी हिल्स के नाम से। वहाँ तक हम नहीं गए, दूर से ही पहाड़ों को, दूर से ही उन पावन धरती को नमन करके अब आगे बढ़ते हैं। चल रहे अभी NH 52 से, ये जो जा रहा है ये बीजापुर के हुमनाबाद ऐसा दिखाता है ये हाईवे। तो भाई बहुत सूखा सूखा लगता है इधर, इस साइड में हाईवे अच्छा है, चिकना है, सीधा सीधा जा रहा है अपना, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा लगता है ड्राइविंग करते समय। लेकिन जो नज़ारे है यहाँ पे, अभी तो मार्च शुरू हो चुका है, अप्रैल में अभी बाकी है, और इस वक्त ही जो नज़ारे वो रूखे रूखे नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी पहुँच रहे बीजापुर, विजयापुर आदिल शाह का रूल किया हुआ सल्तनत का एरिया, एक राजधानी का प्लेस जहाँ से आदिल शाह ने हुकूमत चलाई थी अपनी, और जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले के मराठा सरदार के तौर पर काम करते थे। तो अभी गोल गुंबज है यहाँ पे, और कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो उसको एक्सप्लोर करते हुए हम निकलेंगे आगे। तो पहले अभी गोल गुंबज की ओर बढ़ रहे हैं। गूगल में डाल दिया गोल गुंबज का डेस्टिनेशन, पता नहीं गूगल शहरों में से कई किस गली से डाल देगी, लेकिन अपने पास दूसरा भी कोई चारा नहीं है, गूगल के हिसाब से चलना है। तो फिलहाल 6 मिनट का वक्त गोल गुंबज में पहुंचने का। तो सामने दिखाई दे रहा है गोल गुंबज, एक भव्य वास्तु नज़र आ रही है दूर से ही, जो यहाँ की फेमस है। इस वक्त आ गए हम बीजापुर गुंबज, गोल गुंबज पे, ये देख सकते हो आप मेरे। लेकिन अभी पहले, यहाँ जाने के पहले हम घोड़ा गाड़ी से जाएंगे प्रॉपर जो बीजापुर का कुछ और जो ठिकाने 5-6 वो ठिकाने घूमने के लिए हम घोड़ा गाड़ी करते हैं, घोड़ा गाड़ी से चलते हैं, घोड़ा गाड़ी का भी मज़ा ले लेंगे, और साथ में जो सेंट्रल प्लेसेस रहते हैं भीड़ भाड़ के वो अपन घोड़ा गाड़ी से यहाँ पे अवेलेबल है तो उससे घूमेंगे, फिर ही आएंगे गोल गुंबज पे। शाम तक 6 बजे तक शुरू रहता है, तो उसके बाद जाते समय यहाँ के दर्शन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। अर्चना बैठ रही है घोड़ा गाड़ी में, कहाँ जा रहे पहले? जामा मस्जिद। टांगे से जा रहे भाई, टांगे से आज बीजापुर की सड़कों पर, और अभी जाएंगे हम जामा मस्जिद पहले। तो ये टांगे का सफ़र हो रहा है,
इसका भी मज़ा अलग है। ऑटो अच्छा अच्छा, कुछ साल पहले 300-400 टांगे चलते थे यहाँ पे। अच्छा मिनिमम की शुआ का अच्छा अच्छा अच्छा। सही बात है, आप 12 साल से इसको पाल रहे हैं अपने बच्चे की तरह, और तो मोहब्बत तो ऐसी होती है बच्चों जैसी। अच्छे जानवर बोले तो क्या जान है उसमें, पानी की प्यास लगी तो पुकारता है, उसके भरोसे तो अपना घर चल रहा है, ऐसा बोलने को क्या हरकत है। वो तो चलता है, वो तो चलता है, बनाना शुरू करे तो पहले के लोग 11 लोग नमाज पढ़ते हैं। 11,000 कौन से साल में बनी है मस्जिद? ये 1916 में बना। 1916 में तो अभी तक इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, पूरा इंटैक्ट। फिलहाल यहाँ पे 11,000 लोग नमाज पढ़ सकते एक बार। हम नागपुर से आ रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी भव्य वास्तु है। ये सारा जो फैला हुआ है, ये जो सल्तनत थी वो पुराने ज़माने में जो मेन महल का एरिया था उसी में फैला हुआ है। नया बीजापुर जो है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, लेकिन ये पुरानी बस्ती यहाँ पे वो सल्तनत हुआ करती थी उसी का ये हिस्सा है। बीजापुर के सल्तनत की एक मेन कमान है, मेन कमान जहाँ से हाथी घोड़ा पालकी गुजर के फिर मस्जिद में जाते थे, इसीलिए इसको मेन कमान बोलते हैं। काले पत्थर के अंदर बना हुआ है ये पूरा। अच्छा ये जो पूरे पत्थर में बना हुआ है, अच्छा वो जो डिजाइन है वो भी पत्थर में बनी है, वो पूरा डिजाइन। अच्छा जो लकड़ा जैसा दिखता है वो पत्थर है, वो एक्चुअली पूरा पत्थर है। क्या बात है, ऊपर घोड़ा है, नीचे हाथी है। हाँ हाँ, पहले साइज में घोड़ा और हाथी थी, लेते थे काम। अच्छा ये जरा बड़ा बड़ा है, ये जरा छोटा छोटा, ये टूटा है पूरा। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये लकड़े जैसा लग रहा है, लेकिन ये लकड़ा नहीं है, पूरा जो वर्क है जो वो एक पत्थर में किया हुआ वर्क है, तो यही इसकी खासियत है। चांद बीबी सुल्ताना जो रानी थी यहाँ की, उनका घर आनंद महल ये बोलते हैं संगीत महल। वो जो कमान दिख रही है वो कमान, ये सामने का जो दिख रहा है ये दिख रहा है, ये पूरा स्टेज उनका। अच्छा स्टेज के पास में जो नाच गाना करती थी, उन्हें नाच गाना कर लेके करके उनके लोग क्या उधर बाजू बढ़ते थे। संगीत महल रानी का नाच गाने का ठिकाना, और ये रानी का रहने का ठिकाना, और आनंद महल। इसको पूरी तरह से रिनोवेट किया जा रहा है आनंद महल को, तो शायद इसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। इसको टूरिज्म ऑफिस में तब्दील किया जा रहा है इस आनंद महल को। इस वक्त आ गए हम जोड़ घुमज में, ये दरगाह यहाँ की दो घुमज है, दो, एक ये और एक वो, दो घुमज से मिलके ये दरगाह बनी है, इसलिए इसे जोड़ घुमज दरगाह बोलते हैं। मोहम्मद आदिल शाही
आदिल शाह की तीसरी बीवी उनका वो जो राज करते रहती थी, ये करते रहती थी, हाँ। ये बॉडी के अंदर ही राज करती रहती थी। अच्छा, जब घोड़े को पानी पिलाना, हाथी ऊंट अपने नहाना धोना। तो ये है बारा कमान, लेकिन इसका रियल नाम जो है वो है अली रोज़ा। तो कहानी कुछ हमारे टांगा वाले ने जो बताई वो इस तरह की है कि जो महाराजा थे, जो राजा था, उसका जो बेटा था, बेटे ने गोल घुमच के कारण जो राजा का नाम बहुत मशहूर हुआ, तो उसने कुछ अनबन हो गई थी दोनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में। तो बेटे ने बोला कि तुम्हारे गोल घुमच से मैं एक ऐसा बारा कमान जैसे महल बनाऊँगा कि उसमें अगर आवाज़ दी तो बारह बार आएगी और गोल घुमच तक आवाज़ आएगी। अगर वो पूरी होती तो उसका शायद बहुत ज़्यादा नाम होता रोशन, गोल घुमच से भी ये इमारत बुलंद होती थी और जानी मानी होती थी। तो राजा ने अपने बेटे का ही वध कर दिया, और उसकी जो ये इच्छा थी कि बारह कमान को पूरा करने की, ये अधूरी रह गई। वरना जो मिली जानकारी है उसके अनुसार शायद ये इमारत और भी ज़्यादा बुलंद होती गोल घुमच से भी। वैसे ये अधूरी रही हुई इमारत है, कमान सिर्फ बनी है और वो कमान जो है वो जैसे कि वैसे नज़र आ रही है। कब्रें नज़र आ रही है यहाँ पे, जगह काफ़ी खूबसूरत है। सिर्फ अवशेष बचे हैं, लेकिन वो अवशेष वो अधूरे वास्तु के हैं, फिर भी उसमें जो भव्यता नज़र आ रही है वो हम बयां नहीं कर सकते। वाकई में निर्माण कार्य अधूरा रह गया, अगर पूरा होता तो जैसे कहा जाता कि ये एक बहुत ही बेहतरीन बुलंद इमारत होती, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी टांगे की सवारी पूरी हो चुकी है और वापस चले आए हम गोल गुंबज की ओर। तो टांगे वाले ने जो कि नाम था इसका यूनुस, उसने काफ़ी अच्छा घुमाया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी और वापस डेढ़ घंटे में ला के छोड़ दिया। और यहाँ पे फिर 25 रुपीज़ पर हेड का चार्ज है गोल घुमज में अंदर आने का। तो टिकट निकाल के अभी एंट्री कर लिया। ये है गोल घुमज, सामने जो दिख रहा है बीजापुर की प्रसिद्ध धरोहर। हमने अभी तक काफ़ी सारी जगह यहाँ पर देखा, तो बीजापुर की सबसे जो अहम वास्तु है ये गोल घुमज है, जिसके नाम से बीजापुर जाना जाता है सारे दुनिया में। यहाँ पे तो म्यूजियम बना के रखा है उन्होंने। एक दो तीन चार पाँच छ सात, और उसके ऊपर फिर वो घुमज। इस वास्तु को बनाया था आदिल शाह ने। शाही लोगों की समाधि यहाँ पे नजर आ रही है। उस टावर पे जाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता है विस्परिंग गैलरी के ऊपर, सीढ़ियाँ एक एक फुट की ऊंचाई की सीढ़ियाँ हैं, और अंधेरों से होके संकरा बिल्कुल रास्ता देख सकते हो बहुत। जैसे वो है देखो, छोटी गलियारे से आना पड़ रहा है। चलो यहाँ से आए, यहाँ से जाना है। देखो अभी बस दूसरे मंजिल पे आ गए और 5 मंजिल जाना है। और ये मंजिलें आज की मंजिलें नहीं है, 10 फीट वाली और 6 इंच की पायरी वाली स्टेप वाली।
स्टेप भी बड़ी ऊंचाई ऊंचाई के स्टेप्स है। देखो ऐसे कुछ स्टेप्स है, ऐसे गलियारे से जाना है, चलते हैं धीरे धीरे। पहुंच गए एक बार ऊपर, और ये ऊपर से इस तरह से नज़ारे, ये जो सामने म्यूजियम की वास्तु, ये गोल घुमच का गेट, और ऊपरी मंजिल के पूरे शहर का नज़ारा इस तरह से। और ये घुमच अभी ऊपर, इस घुमच में जाके अगर विस्पर करते तो आवाज़ जैसी इको साउंड में घूमने लगती है। चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ बिल्डिंग है, हाँ सारे दिशा है। करीबन ये हो सकता है 100 फुट के डायमीटर का ये घुमज है, बिना पिलर से और बिना कोई बीच के सपोर्ट से, देख सकते हो आप। और ये इतना बड़ा घुमज, ऐसी आवाज़ें गूंजती यहाँ पे। ये है एक नमूना वास्तुशिल्प का, इतना भव्य 100 फीट की ऊंचाई, 100 फीट का डायमीटर, और ये इतना बड़ा बिना स्लैब से इन किनारों के ऊपर खड़ा हुआ एक बड़ा सा स्लैब। तो ये है वास्तु का चमत्कार। इसी चमत्कार की अनुभूति करके अब हम निकलते अगली मंजिल सोलापुर की ओर।